हेलो डियर स्टूडेंट, एज यू नो आई एम एन इंग्लिश टीचर महेश दास महंत। सो टुडे ऑल ऑफ यू कैन एक्सप्लेन चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, बुक नेम फुट प्रिंट विदाउट फीट। So all of you need to pay attention and watch the video full. Okay, so you have very careful about it because this video will be very interesting for you. Okay, so dear student, let's start the chapter. Okay, dear student. आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट्स की द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है शुरू कर रहे हैं। ओके, जो आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। काफी कृपया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ओके, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट मीन्स एक वैज्ञानिक निर्माण। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट मीन्स एक वैज्ञानिक का निर्माण। सो लिस्ट। ओके, तो यहां अब देखेंगे रीड एंड फाइंड आउट। तो यहां आपको कुछ क्वेश्चंस जो है रीड एंड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहां आप देखेंगे हाउ डिड ए बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एल्ब्राइट्स लाइफ। तो रिचर्ड एल्ब्राइट्स के लाइफ में एक बुक किस प्रकार से उसके जीवन का अत्यंत टर्निंग पॉइंट बना, एक अत्यंत जीवन को बदलने वाला बुक बना। आप कैसे इस कैसे बना इस बुक के बारे आप इसको जानेंगे समझेंगे। ओके, एंड हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। और उसकी मदर ने उसकी मम्मी ने किस प्रकार से उसकी हेल्प की इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, कृपया ध्यान से समझें। ओके, और इसको समझने का पूरा कोशिश करें। ओके, बिकॉज दिस चैप्टर एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एलोराइट्स एंड हिज कॉलेज रूम मेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इस 3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि एट द एज ऑफ 22 मीन्स 22 ईयर्स के एज में, 22 साल की उम्र में, ठीक है, 22 साल की उम्र में ए फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर, मतलब एक फार्मर मतलब होता है पूर्व, फार्मर में पूर्व का स्काउट, पूर्व का स्काउट ऑफ द ईयर ने, मतलब पहले के स्काउट ऑफ द ईयर ने किस प्रकार से एक वैज्ञानिक को किस प्रकार से एक वैज्ञानिक को उत्साहित किया, किस प्रकार से एक वैज्ञानिक को उसने उत्साहित किया कि सेल्स, हाउ सेल्स वर्क मींस सेल्स कैसे काम करती है। ओके, कि कोशिकाएं या सेल्स कैसे काम करती हैं। सेल्स को हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। ओके, सेल्स कैसे काम करती है। ओके, और इस पर हम ये भी देखेंगे कि इस सिद्धांत पर एक नए सिद्धांत को, इस सिद्धांत पर मतलब एक नए सिद्धांत को
किस प्रकार से नए सिद्धांत के साथ दुनिया रिचर्ड एच ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने कार्यवाही में एक लेख को एक सिद्धांत में समझाया था, मतलब जो उस थ्योरी में एक आर्टिकल के रूप में जो है उसको मतलब नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस समझाया था राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के। ओके, तो ये तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम नीचे के लाइंस पढ़ रहे हैं। ओके, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड ईवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home running your first time at the bat. For Charles Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. Means ये हुआ, it was the first time, मतलब यह पहली बार का घटना था, यह पहली बार का था जब यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका मतलब इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जो है पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, तो कॉलेज के छात्रों के लिए काम को प्रोत्साहित करने की प्रकाशित करने का जो काम उन्होंने किया था, प्रकाशित हुई थी जो उन्होंने कॉलेज के छात्रों के काम को प्रकाशित किया था। ठीक है, और खेलों में ऐसा ही होगा कि 15 साल की उम्र में बड़ी लोग बड़ी लीग बनाना और होम रन बनाना, आप पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तब ये हुआ यहाँ पर कि 15 साल की उम्र में जो है हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, मतलब पहली बार क्रिकेट से खेलना रिचर्ड के जीवन का टाइम था। ठीक है, और होम रन बनाना, अब अपने पहली बार बल्लेबाजी कर रहे थे। और रिचर्ड एल्ब्राइट के लिए लंबे समय में पहला था, रिचर्ड एल्ब्राइट के लिए यह लंबे समय में पहला था। क्या है कि विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की श्रृंखला के लिए, मतलब ये और साइंटिफिक अचीवमेंट में जो है विज्ञान की सफलताओं की उपलब्धि में ये सबसे उनका पहला था और अन्य फील्ड में। ओके, और यह सब शुरू हो गया था तितलियों के साथ, इसके साथ शुरू हो गया था बटरफ्लाइज के साथ तितली हो गया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। ओके, तो सो वी विल सी नीचे के हम एक लाइन पर एक्सप्लेन करेंगे, तो चलो हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये लोग हम नीचे आ गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग। एन ओनली चाइल्ड एल्ब्राइट ग्रीव ए नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ ए टीम ऑफ वन बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स। मतलब यहां पर यह हो गया कि एज ओनली चाइल्ड, मतलब एक इकलौता बच्चा के रूप में, एक इकलौता बच्चे के रूप में एल्ब्राइट रीडिंग पेनिसुलिया के उत्तर में बड़ा हुआ, के उत्तर में बड़ा हुआ। शुरू में ही मतलब बिगनिंग एक किंडरगार्टन। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बहुत कुछ नहीं कर सका, मतलब एल्ब्राइट ने कहा कि मैं बहुत कुछ भी नहीं कर पाया,
देयर, ठीक है। मैं निश्चित रूप से कहीं रूप से नहीं कह सका, कर सका मतलब, बट मैं कुछ भी रूप से नहीं कर सका, कुछ भी मतलब वहां पर नहीं कर सका, क्योंकि एक टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल खेल। लेकिन एक बात थी मैं कर सकते थे चीजें इकट्ठा कर, मैं वहां चीजें इकट्ठा किया करता था। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि वहां मैं बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मैंने एक टीम के साथ तो बेसबॉल या फुटबॉल खेले, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि मैं जो है मैं वह चीजें इकट्ठा करता था, कलेक्ट थिंग्स किया करता था, ठीक है। सो लेट वी सी रीडिंग नेक्स्ट। ही डिड एंड डिड इवर बिगनिंग इन हिज किंडरगार्टन एल राइट collected butterflies with the same germination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins and became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो इसका हम समझते हैं। सो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा ही किया, और उसने कभी भी किया मतलब हमेशा करते रहते थे, हमेशा करते रहते थे। किंडरगार्टन एलराइट से शुरुआत किया उन्होंने चीजों को इकट्ठा करना, उसी दृढ़ संकल्प से, उसी डिटर्मिनेशन से जो है तितनों को उन्होंने इकट्ठा किया, और जिसने सभी को चिन्हित किया, सभी को क्या किया, मार्क्ड किया, चिन्हित किया ऑल एक्टिविटीज को। इसके अलावा उन्होंने रॉक्स को कलेक्ट किया, चट्टाने उसको रॉक्स बोलते हैं, फॉसिल्स जिसको हम जीवाश्म बोलते हैं, जीवाश्म का मतलब होगा जो चीजें दब जाती है ना वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, अब बहुत साल के बाद जब वो मिलती है ना तो उसको हम उसका अवशेष को, उसके जो चीज रहते हैं उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने सिक्के भी एकत्र किए, और वो एक एस्ट्रोनॉमर बन गया, खगोल शास्त्री बन गया, एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गया। इसके अलावा उन्होंने रातों रात जो है तारों को, चंद्रमाओं को आल रात्रि देखने में लगा ये टाइम। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ठीक। सो वी विल सी, इस पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, ही वाज आल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सी took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. Today, students, कि उसकी मदर ने किस प्रकार से उसकी जो है हेल्प की है, कि इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार से उसकी मम्मी ने उसका हेल्प की है ना, कि एक उत्सुक सभी आधार पर, ठीक है,
सभी आधारों के आसपास जो है बिना रुके पहली बार जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पहली बार बल्लेबाजी करते हुए क्या करते हुए पहली बार बल्लेबाजी करते समय होम रन बनाने की तुलना में जर्नल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कि शुरू से ही उन्होंने तेज दिमाग के साथ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद राइट माइंड, मतलब वो तेज दिमाग के साथ ड्राइविंग करने की जिज्ञासा थी। ओके, फर्स्ट टाइम से ही जो है उन्होंने तेज दिमाग के साथ शार्प क्यूरियोसिटी के साथ जो है ड्राइविंग करने की उनके में जिज्ञासा थी। ओके, और उनकी माँ ने उनके हर सीखने में उनकी मदद सीखने में मदद की, उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया, उनके इंटरेस्ट को इनकरेज किया, और वह उनकी इस यात्राओं पर जो है ले गई, उनके लिए क्या क्या उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप्स खरीदा, कैमरास खरीदे, और भी बहुत सारे सामग्री उन्होंने उपकरणों को स्थापित किया खरीदे, और उन कई कामों में उनकी मदद की। ओके, इस प्रकार से उनकी मदद ने उनकी मम्मी ने बहुत सारे उनके लिए मतलब हेल्प की, क्या किए, बहुत सारे हेल्प किए। ठीक है, कई तरीकों से उनकी मम्मी उनको हेल्प किए। अब हम नीचे से पढ़ लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। I was his only companion until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him. But at night we just did things together. This was my whole life after his father died when Richie was in third grade. इस पैराग्राफ का स्पेलिंग ये हो गया। ठीक है, कि उसकी मम्मी ही शुरू से उसकी कंपेनियन रही है, मतलब उनकी साथी रही है। ठीक है, जब वो तीसरी कक्षा में जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, उनकी एक मां साथी थी उसकी मम्मी। ठीक है, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था तब उनकी मम्मी उनकी एक साथी थी उसकी माँ। उसकी मम्मी कहती थी, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए घर दोस्त लाऊंगा, मतलब उसका जो घर था दोस्त लाऊंगा। लेकिन रात में हमने बस एक चीजें की कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रिचि ही मेरी पूरी जिंदगी थी। रिचि मतलब उसका जो उसकी बस जिंदगी थी। जब रिचि जो है तीसरी कक्षा में था, मतलब थर्ड ग्रेड में था, तब उनके पिता की जो देहांत हो गया था। ओके, तो रिचि ही उनकी जिंदगी थी। ओके, सो अब हम नीचे देख लेते हैं, नीचे पढ़ लेते हैं। सी हैड सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, not physical work but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. मतलब इसके मीनिंग ये हो गया कि उन्होंने जब उसका बेटा लगभग हर शाम जब वो तीसरी कक्षा में था, है ना, तो शाम उसका भोजन के कक्ष में उन्होंने कक्ष में बिताए थे। वह उसके बेटा लगभग हर शाम भोजन कक्ष में बिताए थे।
ठीक है, इवनिंग टाइम मतलब डाइनिंग रूम में बिताए थे, और उनके आसपास उनके पास पास करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उनके पास पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उनके लिए एक काम ढूंढा, मैंने उनके लिए एक काम ढूंढा नहीं। क्या शारीरिक काम नहीं लेकिन चीजें सीखना, फिजिकली काम नहीं लेकिन चीजें सीखना, चीजों को लर्न करना। ठीक है, उनकी माँ ने कहा उसे ये पसंद उन्हें ये पसंद आया, वह सीखना चाहता था। उसने ये काम को जो पसंद किया उन्होंने सीखना चाहता था। ओके, सीखना चाहता था। अब हम नीचे के पैराग्राफ्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, तो आप नीचे लर्न ही डीड, ही लर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल और एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड एल्ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। ओके, तो क्या हुआ, वो सीखते गया, सीखो उन्होंने कहा, सीखो उसने किया, जो भी किया उन्होंने सीखते गया। ओके, उन्होंने स्कूल में सर्वोच्च ग्रेड को अर्जित किया, मतलब उन्होंने स्कूल में टॉप किया। हर रोज वह हर दूसरे बच्चे की तरह ही था, मतलब वह हर दूसरे बच्चे की ही तरह था। लेकिन उसकी माँ ने कहा जब वह दूसरी कक्षा में था, सेकेंड ग्रेड में था, तब तक एल्ब्राइट ने सभी 20 तरह के बटरफ्लाइज को जो है कलेक्ट, 20 प्रकार के उनके जो स्पीसीज की जातियों के बटरफ्लाई को कलेक्ट कर लिया था। उनके पास अब बटरफ्लाई का एक बहुत बड़ा गृह हाल था, मतलब बहुत बड़ा उनका रूम हो गया था। उनके आसपास की तितलियां पाई गई, मतलब उनके तितलियों के यहाँ पर जो है नाम दिखाए गए हैं, ग्रॉस एमरविंग बटरफ्लाइज, वुड नेम्स सेट बटरफ्लाइज, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, ये उनके नेम्स हैं। क्या हैं, नेम्स हैं। ओके, ये पूरे बटरफ्लाइज के नेम्स हैं। ठीक है, अब नेम्स तो आप देख लेंगे। अब नीचे पढ़ते हैं, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सैड, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मनाज एक्स टेंथ, द बुक विच वर टोल्ड हाउ मनाज बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर। तो क्या हुआ, वह शायद ही, प्रोबेबली मतलब शायद होता है, शायद मेरे तितली संग्रह का अंत होता, वह शायद मेरे तितलियों बटरफ्लाई कलेक्शन का अंत होता, उसने कहा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बच्चों के नाम के लिए द नाम की एक किताब दिलवाई, बच्चों के नाम के लिए द नाम की एक किताब दिलवाई, मोनार्क्स एक्स की यात्राएं, वो किताब जिसने मुझे बताया कि मोनार्क तितलियां कैसे उड़ती हैं, मतलब मोनार्क तितलियां बटरफ्लाई कैसे उड़ती हैं। ओके, और उसमें यह भी बताया गया था कि मध्य अमेरिका में उनका माइग्रेशन करने, उनका प्रवास करने में विज्ञान की दुनिया को उत्सुक के लिए खोल दिया था। मतलब उसमें यह भी बताया गया था कि किस प्रकार से एक तितली दूसरी तितली को मतलब जाती है, माइग्रेट करती है। ठीक है, और वह एक युवा तितलियों का कलेक्टर या युवा विज्ञान प्रकार विज्ञान की दुनिया में जो युवा साइंस साइंटिस्ट मतलब बन गया था, तितलियों को कलेक्ट करने के लिए। ओके, अब हम एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स राइट इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज
migrations, they were asked to take butterflies for research by Dr. Friedrich A. Arghat of the University of Toronto, Canada. Albright's mother wrote Dr. Arghat, and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Arghat. Okay, इसका यह हो गया कि पुस्तक के अंत में, मतलब एंड ऑफ द बुक, पुस्तक के अंत में रीडर्स को तिथियों का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया। ओके, प्लायन उन्होंने डॉक्टर द्वारा शोध किए गए तिथियों को टैग करने के लिए कहा गया, ठीक है, टैग करने के लिए कहा गया। और आगे हम पढ़ते हैं, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन्स अराउंड रीडिंग लिस्ट लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर। इफ यू आर गोइंग टू ईच देम ओनली बाई वन, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एल्ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर eggs and raise them on his basement through his air life cycle, from the eggs to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take his butterflies and wings and let him to several busy basements. Okay, thousands of butterfly difference. तो इसका हम explanation देख लेते हैं। Okay, तो टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के फ्रेडरिक ए वर्कहार्ट ने एल्ब्राइट का मां ने कहा, डॉक्टर वर्कहार्ट ने लिखा कि जल्द ही एल्ब्राइट को प्रकाश मिल गया, एल्ब्राइट को प्रकाश मिल गया राजाओं के पंखों पर चिपकने वाले टैग, ठीक है, जिस किसी को भी टैग मिला बटरफ्लाई को टैग डॉक्टर और कहाट को भेजने के लिए कहा गया। रीडिंग के आसपास तितली का संग्रह का मौसम 6 सप्ताह तक चलता रहा, कितने सप्ताह चलता रहा, 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक चलता रहा। देर की गर्मी, यदि आप एक दूसरे के एक एक करके उनका पीछा करने जा रहे हैं, एक आप बहुत से लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब बहुत से लोग नहीं पकड़ पाएंगे। तो एब्राइट ने अगला कदम था तितलियों का झुंड बढ़ाओ, वह एक महिला सम्राट को पकड़ लो लेगा, उसे ले जाए लेगा, उसे ले जाएगा। अंडे और उन्हीं अंडे से उनकी जीवन के चक्र के माध्यम से अपने तहखाने में बढ़ाए कैटरपिलर से प्यूपा से व्यस्क तितली तक, फिर वह तितलियों को टैग करेगा, पंख लगाएगा और उन्हें जाने देगा।